वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भैया कौन कौन आ गया है? मोनू कौशिक, चंद्रा, चंद्रशेखर, सुरेश कुमार, रवि राजन, मिस्टर त्यागी, रवि राजन, यस, मोनू कौशिक। सभी लोगों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम लोग लेकर आए हैं स्टडी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। और जो अगला टॉपिक है हमारा वो है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये दो चैप्टर्स आज अपन लोग कवर करेंगे, है ना साहब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। हाँ भैया, ठीक है, डन, थैंक यू सर। तो स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन हमारा चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं साहब कि हमें फूड इनहांस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमको फूड फूड को इनहांस क्यों करना है ना? फूड को इनहांस हम करना क्यों चाहते हैं, ये हमारी बात है सर। सबसे पहले तो फूड का प्रोडक्शन इनहांस क्यों करना है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। पॉपुलेशन जो हमारी है वो बहुत तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारा फूड प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हमारे यहाँ फूड की स्कार्सिटी हो जाएगी, है ना? यस, ठीक है। तो आकांक्षा पांडे गुड मॉर्निंग, अखिल, आयु शर्मा, शिव, सुनील कुमार कुशवाहा, ब्रजेश कुमार, मोहम्मद हरीश, हाँ मोहम्मद हरीश, जुबैर खान, गुड्डू यादव, अनुराग, सुनील कुशवाहा, फीड, यस मिस्टर परफेक्ट, गुड मॉर्निंग। तो हम ये कह रहे हैं सर कि फूड को इनहांस करने की जरूरत क्यों पड़ी है। फूड को इनहांस करने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि क्योंकि भैया पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो फूड को इनहांसमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर करनी पड़ रही है चार चीजें। हम कर रहे हैं कितनी चीजें कर रहे हैं, चार चीजें। पहली चीज जो हम कर रहे हैं वो क्या, हम एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू फूड प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू फूड प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं सर। इसके साथ साथ कुछ न्यू टेक्निक्स हैं, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक है और जैसे टिश्यू कल्चर है। इनको यूज करके हम अपने प्लांट के प्रोडक्शन को और इसके साथ साथ एनिमल्स से थ्रू जो हमें फूड मिलता है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। तेरी कह रहा है एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री में हम करते क्या है, एनिमल हस्बेंड्री में हम रेयरिंग करते हैं और क्या करते हैं सर, ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है? यानी कि पालते हैं और उनको ब्रीड कराते हैं। और जैसे ब्रीडिंग और रेयरिंग जो हम करते हैं, किसी कहते हैं बफेलो है, काऊ है, पिग है, हॉर्स है, कैटल है, सीप है, एनिमल गोट है। तो इससे हमें, और इसके अलावा कह रहा है सर एनिमल हस्बेंड्री में फिशरीज आता है। फिशरीज की अगर बात करें तो फिशरीज में हम रेयरिंग करते हैं, कैचिंग करते हैं और सेलिंग करते हैं। और आपका इसके साथ साथ कह रहा है किसकी फिशरीज में किसकी रेयरिंग कैचिंग और सेलिंग करते हैं, तो फिशेस की करते हैं, मोलस्कस की करते हैं। मोलस्कस को हम लोग सेलफिश कहते हैं। इसके साथ साथ क्रस्टेशियंस की करते हैं सर। देन यहाँ पर कह रहा है सर हमें इस एनिमल हस्बेंड्री से मिलता क्या है, तो हमें इनसे मिलता है आपका सिल्क वॉर्म, जैसे हमारे इनसे हमको मिलता है मिल्क मिलता है, इनसे हमको एग मिलता है, मीट मिलता है, इस और सिल्क और हनी चीजें जैसे कंपोनेंट्स मिलते हैं। अब यहाँ पर बता रहा है कि दुनिया की 70% जो मवेशी हैं वो चाइना और इंडिया में रहते हैं, लेकिन हमारा हमारे वर्ल्ड के जो जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इन दो देशों का कंट्रीब्यूशन केवल 25% है। कितने परसेंट है? हाँ सर प्लीज टेक हाफ योर सर। हाँ चलिए सर। देन कह रहा है सर यहाँ पे कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ फॉर्म्स और फॉर्म्स एंड फॉर्म एनिमल्स, हम किसने फॉर्म में रहने वाले एनिमल्स और उस और फॉर्म का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर किसी फॉर्म का एनिमल किसी भी डेयरी फॉर्म का अगर मैनेजमेंट हमें अच्छा कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं और यील्ड को भी बढ़ा सकते हैं। तो कह रहा है सर पहली चीज जो हमें यहाँ पर करनी चाहिए, जो सबसे पहली बात है कि हमें अपने डेयरी फॉर्म में अच्छी ब्रीड की क्वालिटी रखनी चाहिए। किस पे डिपेंड करता है प्रोडक्शन, ब्रीड ब्रीड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ कह रहा है कि जो आप ब्रीड रख रहे हैं
वो जिस उसे ये कह रहा है कि उसका उस एक गुड अच्छी ब्रीड होनी चाहिए, इसके साथ साथ उसके पास क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होनी चाहिए। उस ब्रीड के पास क्या होनी चाहिए, उस ब्रीड के पास रेजिस्टेंस होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ कह रहा है यहाँ पर कि उसे हाउस उसे जहां पर रखते हैं वो जगह अच्छी होनी चाहिए, इसके साथ साथ उसको डिजीज फ्री रखने के लिए उसको प्रॉपर फूड देना चाहिए, उसको प्रॉपर फीडिंग करानी चाहिए, यानी फोडर की क्वालिटी अच्छी देनी चाहिए और क्वांटिटी भी। देन कह रहा है इसके अलावा कह रहा है कि हमें हाइजेनिक रखनी चाहिए। हाइजेनिक किसकी रखनी चाहिए, हमें उस हैंडलर की और उस कैटल यानी कि जो जानवर की देख रेख कर रहा है उस बंदे का भी हाइजेनिक होना चाहिए और उस जानवर को भी हमें हाइजेनिक तरीके से रखना चाहिए। इसके अलावा कह रहा है मिल्किंग स्टेयरिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, मशीन्स के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि हम भैंस का दूध किससे निकालें, मशीन से निकालें, तो सारा मशीन भी हो सकता है। यहाँ पर कह रहे हैं मशीन के थ्रू भी हो सकता है सर। हाँ थोड़ा फास्ट कराइए सर, बिल्कुल सर फास्ट ले लीजिए सर। देन यहाँ पर कह रहा है सर जो काम हम डेयरी फॉर्म, अच्छा इसके साथ साथ कह रहा है कि हम अपने वेटनरी डॉक्टर की रेगुलर विजिट भी करा सकते हैं। देन यहाँ पर कह रहा है पोल्ट्री फॉर्म मैनेजमेंट की बात करें, जो काम हम कर रहे हैं डेयरी फॉर्म में वही हम पोल्ट्री फॉर्म में भी कर रहे हैं। इसके बाद कह रहा है एनिमल ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके कर सकते हैं, एक तो इनब्रीडिंग करा सकते हैं, एक तो आउटब्रीडिंग करा सकते हैं। इनब्रीडिंग क्या होता है, इनब्रीडिंग होता है सेम ब्रीड के क्लोज रिलेटिव्स के बीच में ब्रीड होती है ना, ब्रीड सेम होनी चाहिए और आपस में क्लोज रिलेटिव होने चाहिए। क्लोज रिलेटिव का मतलब क्या है सर, कि फादर और डॉटर हो गई है ना, या फिर मदर या सन हो गया, ये क्या है क्लोज रिलेटिव है, और उनके बीच में 4 to 6 जनरेशन के बीच कुछ ना कुछ उसमें क्या होनी चाहिए, हमारी सिमिलरिटीज होनी चाहिए। इसमें कह रहा है कि हम सुपीरियर मेल लेंगे और क्या लेंगे, सुपीरियर फीमेल लेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा सर, हमें मिल जाएगी एक सुपीरियर प्रोजेनी मिल जाएगी। ये बेसिकली क्या काज करता है, होमोजाइगोसिटी। यहाँ पर एनसीईआरटी कह रही है जैसा कि मेंडल साहब ने पी प्लांट के लिए किया था वैसा ही कुछ यहाँ पर किया जाता है इनब्रीडिंग में, होमोजाइगोसिटी काज करने के करते हैं यहाँ पर। तो कह रहा है प्योर लाइन एनिमल्स बनते हैं। यहाँ पर एक बात ये कह रहा है सर कि इनब्रीडिंग क्या के थ्रू हम क्या करते हैं, हम सुपीरियर जो करेक्टर्स हैं उनको एक्यूमुलेट करते हैं और एलिमिनेट किसको करते हैं, लेस डिजायरेबल करेक्टर को। और कह रहा है कि इन ब्रीडिंग के थ्रू हम क्या करें, इंक्रीज करते हैं प्रोडक्टिविटी को और पॉपुलेशन को, उस पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। क्लियर है सर। देन आगे कह रहा है सर यहाँ पर कि इन ब्रीडिंग अगर कह रहा है, अगर क्लोज इन ब्रीडिंग जो हो रही है वो क्लोज इन ब्रीडिंग हो रही है तो उसके वजह इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन में होता क्या है, फर्टिलिटी पावर गिर जाती है सर, प्रोडक्टिविटी भी गिर जाती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, आउटब्रीडिंग का हम सहारा ले सकते हैं। ऐसे में हम किसका सहारा ले सकते हैं, ऐसे में हम आउटब्रीडिंग का सहारा ले सकते हैं। किसका सहारा ले सकते हैं, आउटब्रीडिंग। अब आउटब्रीडिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आउटब्रीडिंग जो हमारी है वो 3 टाइप की है। आउटब्रीडिंग कितने टाइप की है, 3 टाइप की होती है। एक होती है हमारी आउट क्रॉसिंग, एक होती है हमारी क्रॉस ब्रीडिंग, और एक होती है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो कह रहा है कि आउट क्रॉसिंग क्या होती है, आउट क्रॉसिंग बेसिकली होती है सर कि जब हम सेम ब्रीड में कराते हैं क्रॉस कराते हैं लेकिन उनके बीच में कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होती है 4 to 6 जनरेशन के थ्रू, और इससे बेसिकली ये एक सिंगल आउट क्रॉस जो है क्या करता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। ये नीट 2015 में पूछा गया। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या करते हैं, हम दो सुपीरियर अलग अलग कह रहा है कि डिफरेंट ब्रीड के बीच क्रॉस होता है, ठीक है ना सर, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। और इसका एग्जांपल दे रहा है जैसे बीकानेरी एप्स है, मरीनो रैम्स है, दो अलग अलग ब्रीड है, इनको मिलाकर हमने क्या बनाई, हिल्साडेल बनाई, जो कि सीप की एक ब्रीड है और ये पंजाब में बनाई सर। देख किसके थ्रू बनाई हमने, क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू। देखा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दो डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज के बीच, कह रहा दो डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं, दो डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जांपल है म्यूल। म्यूल कैसे बनता है, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के बीच क्रॉस कराने से। देन कह रहा है सर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के फायदे क्या है सर, इसमें क्या कर सकते हैं, हम स्पर्म को क्या कर सकते हैं, फ्रोजन कर सकते हैं, और फ्रोजन करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, यानी कि जानवर जहां पर है वहीं पर उसका इंसेमिनेशन करा सकते हैं। देन यहाँ पर कह रहा है सर मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, हम सुपीरियर फीमेल जो उसे एफएसएस लाइक एक्टिविटी जैसा हार्मोन देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है उसमें सुपर ओवुलेशन हो जाता है। नॉर्मली कितना ओवम ओवुलेट करता है, एक ओवम, लेकिन सुपर ओवुलेशन में क्या होता है,
पर साइकिल जो है लगभग 6 to 8 एग निकलते हैं। और अब जो है उसको क्या कर देंगे, अब हम उस फीमेल को एलिड बुल से क्रॉस करा देंगे और या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देंगे। और देन अब हमें क्या मिल जाएंगे, अब हमें मिल जाएंगे 6 से 8 जाइगोट, और उन्हें हम 6, 8 to 32 सेल स्टेज में क्या करेंगे, नॉन सर्जिकली रिमूव कर लेंगे और सैरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देंगे। इससे फायदा क्या है, हमारी जो सुपीरियर फीमेल है फिर से अनदर राउंड ऑफ सुपर ओवुलेशन के लिए क्या हो गई है, फ्री हो गई है सर। देन इसके बाद कह रहा है बी कीपिंग की बात करें, यहाँ याद रखिएगा बी कीपिंग में एमपी कल्चर कहते हैं सर, और यहाँ की बी कीपिंग में सबसे जो बढ़िया जो वैरायटी जो हमारी ब्रीड है दैट इज द एपी एपीज इंडिका। देन इसके बाद फिशरीज की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है सम मरीन फिशेज आर ईटन दैट्स अ हिरसा डेल सर्डाइन मर्करेल एंड पॉम्प्रेट, ये कुछ आपके मरीन फिशेज हैं जो हम फूड के रूप में जिन्हें यूज करते हैं। इसके बाद है प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में अगर हम लोग बात करें तो टोटल हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग में स्टेप कितने होते हैं, 5। पहला होता है कलेक्शन ऑफ जर्म प्लांट, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लांट देखिए नीट 2013 और 11 में पूछा गया सर, एंड देन इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट एंड द क्रॉस ब्रीडिंग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट। देन इसका कह रहा है चौथा स्टेप है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, यहाँ से देखिए पूछा गया सर, एंड देन टेस्टिंग रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू वैरायटी। अब कह रहा है कि प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमने क्या किया है सर, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमने हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के अंतर्गत प्लांट ब्रीडिंग का हेल्प लेके क्या किया गया, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया। प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी बनाई है, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमने पेस्ट रेजिस्टेंस हमने डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई है। यहाँ पर एनसीईआरटी करी व्हीट और राइस के प्रोडक्शन की बात करें तो अगर 1960 में वीट का प्रोडक्शन था 11 मिलियन टन हमारे पूरे देश का, और सन 2000 में हो गया 70 मिलियन टन। कह रहा है सर ऐसे ही राइस का भी देखने को मिला, राइस का प्रोडक्शन 35 मिलियन टन था सर 1960 में, और 2000 पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, 89.5 मिलियन हो गया। तो कह रहा है सर ये प्रोडक्शन बड़ा कैसे सर, क्योंकि हमने इसकी सेमी डॉप वैरायटी यूज करी, नॉर्मली बोरलाग साहब ने बनाई थी सर। कहाँ बनाई सर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज राइस इंप्रूवमेंट मेक्सिको में है सर, इन्होंने सेमी डॉप वैरायटी बनाई 1960 थी। सोनालिका और कल्याण सोना इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए, और सोनालिका और कल्याण सोना किसकी वैरायटी है, व्हीट की वैरायटी है। IR8 जो है वो किसने बनाई सर, ये बनाई इंटरनेशनल रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट IRI फिलीपींस ने, और टाइचू डेटू फर्स्ट जो है हमारी ताइवान ने बनाई 1966 में। 1966 में राइस की दो वैरायटी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, जया और रत्ना। फिर इसके बाद सैक्रम बारबेरी नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है, इसका प्रोडक्शन कम था। सैक्रम ऑफिस एरिडम कहाँ की, साउथ इंडिया की, दोनों मिलाकर के एक नई वैरायटी बनाएगी और प्रोडक्शन ऑफ सुगर केन भी बढ़ा दिया गया। मिलेट्स की बात करें तो जैसे मेज है, ज्वार है बाजरा है, इसके प्रोडक्शन को भी बढ़ाया गया। देन इसके बाद बात करता है कि हमारा जो प्लांट ब्रीडिंग है, जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन है, उसमें प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमने क्या किया, हमने हमने एक तो काम कर लिया भैया कि क्या क्या प्रोडक्शन बढ़ाया। इसके अलावा कह रहा है कि अगर आपको पता हो कि हमारे देश में जितनी भी फसल पैदा होती है उसका 20 से 30% पार्ट या कभी कभी 100% जो हमारे पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जैसे क्या है, हमारा फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये हमारी फसल को 20 से 30% तक क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, और कभी कभी तो पूरी फसल ही खत्म कर देते हैं। तो सर इससे सर हम अपनी अगर फसल को डिजीज से बचा लें तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर कुछ डिजीज के नाम दिए, जैसे ब्राउन रस्ट ऑफ वीट दिया है, रेड रॉट ऑफ सुगर केन किससे होता है, फंगस से होता है, लेट बाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है सर, ये भी हमारा फंगस से होता है, बैक्टीरिया ब्लैक रेट ऑफ द क्रूसीफर एंड वायरस से होती है टोबैको मोज़ेक और टर्ने मोज़ेक डिजीज। तो कह रहा है कि प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमने इसके अंदर रेजिस्टेंस दी है, ये टेबल याद रखिएगा, जैसे वीट की एक वैरायटी है जो आपकी डिजीज रेजिस्टेंस है, किसके लिए रेजिस्टेंस रखता है, ये रस्ट के लिए, कौन सा रस्ट, लीफ रस्ट और स्टिप रस्ट, हेल बर्ड, ये आपकी हिमगिरी वैरायटी किसकी है, वीट की, नीट 2011 में पूछी गई है, ब्रेसिका किसकी है, पूसा स्वर्णिमा वीट रस्ट की है सर। देन कह रहा है सर कैलीफावर की दो वैरायटी है, पूसा सुब्रायन, पूसा स्नोबॉल केवन, तेरा ब्लैक रॉट ऑफ कर्ल और ब्लाइट ब्लैक रॉट, एंड देन कह रहा है काउपी जो है इसकी एक वैरायटी है पूसा कोमल जो बैक्टीरियल ब्लाइट की रेजिस्टेंस रखता है, और चिली की एक वैरायटी है पूसा सदाबहरा
जो चिली मोज़ेक वायरस और टोबैको मोज़ेक वायरस और लीप कर्लिंग में के लिए रजिस्टर सकता है। म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमने कुछ वैरायटीज बनाई है म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू। जैसे म्यूटेशन ब्रीडिंग में यहाँ पर नाम दिया गया एबिलिस्कस स्कोलेंट्रस, ये एक हमारी भिंडी की वैरायटी होती है, और इसकी जो नई वैरायटी बनाई वो बनाई है प्रभानी क्रांति। क्या बनाई है? प्रभानी क्रांति। प्रभानी क्रांति जो होती है येलो मोज़ेक वायरस से रजिस्टेंस रखती है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बताया गया है कि हमने कुछ ऐसी भी वैरायटीज बनाई है प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू जो इंसेक्ट से रेजिस्टेंस रखती है। जैसे हमारी ब्रैसिका जो है पूसा गौरव एफिड्स के लिए रखती है, फ्लैट बीन जो है पूसा सेम थ्री जैसिड्स एफिड्स और फूड बोरर के लिए रहती है, ओकरा भिंडी पूसा स्वामनी पूसा A4 सूट बोरर और फूड बोरर के लिए रखती है। इसके बाद यहां पर कह रहा है कि एक होती है भुखमरी, एक होती है हिडन हंगर, एक होता है हंगर एक होता है हिडन हंगर। तो कह रहा है कि हमारे देश में लगभग 840 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम पर फूड नहीं मिलता है। लेकिन कह रहा कुछ ऐसे भी होते हैं, कैसे, वो लगभग है हमारे 3 मिलियन लोग जिनको हिडन हंगर है सर, यानी कि उन्हें फूड तो मिल रहा है लेकिन उस फूड की क्वालिटी नहीं अच्छी है। तो उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है? ब्रीडिंग क्रॉप विद हाई लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल एंड हाई पोटेंशियल एंड हेल्थ फैट। कह रहा है कि इसमें बेसिकली हम करते क्या है, प्रोटीन कंसेंट्रेशन कंटेंट और क्वालिटी बढ़ाते हैं, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी बढ़ाते हैं, विटामिन कंटेंट बढ़ाते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल कंटेंट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप याद रखिएगा सर, यहाँ पर आप याद रखिए 2000 में हमने क्या बनाई है सर, हमने बनाई है यहाँ पर मेज की वैरायटी जिसमें अमाइनो एसिड्स का कंसेंट्रेशन क्या है ट्वाइस कर दिया गया। यहाँ पर एटलस 66 विस्क की वीट की वैरायटी याद रखिएगा सर। देन इसके बाद कह रहा है सिंगल सेल प्रोटीन क्या है सर, सिंगल सेल प्रोटीन में जैसे कह रहा है हमारा सिंगल सेल प्रोटीन जो होता है जैसे हमारा स्पारलिना है, ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक द स्पारलिना, ये हम सिंगल सेल प्रोटीन में रखते हैं। सर्टन बैक्टीरिया लाइक स्पीसीज मेथनोफिलस मेथाइलोट्रोपस 2012 में पूछा गया। इसके टिश्यू कल्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, टिश्यू कल्चर क्या होता है, हम एक्स प्लांट को क्या करते हैं टोटिपोटेंसी देते हैं। टोटिपोटेंसी कैसे देते हैं हम सर, उसे हम क्या करते हैं एक न्यूट्रिटिव मीडियम में डालते हैं। न्यूट्रिटिव मीडियम किसका बना होता है, उसके अंदर शुगर कंटेंट होता है, नाइट्रोजन साल्ट होते हैं, विटामिन होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं एंड ऑक्सीजन और साइटोकाइंस होते हैं, और ये सारे मिलकर के क्या करते हैं, ये सारे मिलकर के हमारा टिश्यू कल्चर यानी कैलस बनाते हैं। अब उस कैलस को हम क्या कर सकते हैं, उसका हम कर सकते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, और माइक्रो प्रोपोगेशन से बनने वाले जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम सोमा क्लोन्स कहते हैं। इसके अलावा टिश्यू कल्चर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वायरल इन्फेक्टेड प्लांट से, किससे, वायरल इन्फेक्टेड प्लांट से हम क्या बना सकते हैं, हम नॉर्मल प्लांट को रिस्टोर कर सकते हैं। 2012, 14 और 21 से पूछा गया। इसके बाद कह रहा है एक होता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, और इसी से होता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिड क्या होता है सर, कि कह रहा है कि दो सेल्स है उनका सेल वॉल हटा दीजिए, उनको आपस में मिला दीजिए प्रोटोप्लाज्म को, दैट इज अ सोमैटिक हाइब्रिड। और सोमैटिक हाइब्रिड से हम क्या कर सकते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन फ्रॉम देयर द एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन, दैट इज अ फर्स्ट फेज ऑफ अवर क्लास जो कि हम आपको कराते हैं। तो यहाँ तक बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया सर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत हो बताइए, नहीं दिक्कत है तो मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी से बोलो भैया। एनी प्रॉब्लम सर, बच्चा पार्टी कोई दिक्कत तो नहीं भैया, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, बोलो भैया एनी प्रॉब्लम, कौन कौन आ गया जल्दी से मैसेज करिए सर। हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आगे बढ़ सकते हैं मालिक, आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते, जल्दी से बोलो भैया, फास्ट बोलो भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है त्यागी साहब, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑल बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज टेल मी दैट यू एंजॉय द सेशन, आपको इस सेशन का कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या आपको रिवीजन अच्छे से हो रहा है? कह रहा सर कह रहे क्लियर है, ओके सर। अनुराग कह रहे नो सर, क्या हुआ सर, क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा बताइए, हम उसे कोशिश करेंगे आपकी दिक्कतें दूर की जा सके। पेज नंबर 165 टू 178 पेज तक में तक यहाँ पर ये पाया गया है, इसमें कुछ जो हमन क्विक रिवीजन जो हम आपको कराते हैं वो देख लीजिए सर। एनसीईआरटी से हमने आपको बता दिया कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, अब देख लीजिए सर। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू द नॉर्मल हस्बेंड्री एंड पीपल ब्रीडिंग टू द मेजर रोल इन द फूड प्रोडक्शन, ठीक है सर। देन यहाँ पर याद रखिएगा 70% पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में रहती है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है सर, केवल 25%। सर इतनी तबीयत खराब होने पर बाद भी इतना
डेडिकेटेड है हम सर। अरे क्या किया जाए सर, एग्जाम की डेट तो वही रहेगी ना सर आपकी। देन यहाँ पर कह रहा है सर डेयरी डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में, अभी अभी मैंने बात से बात करी थी। पोल्ट्री फार्म्स में भी मैंने बताया था, इसमें बर्ड्स बर्ड्स ही केवल वो बर्ड्स जैसे हमारी डक है, जैसे हमारी टर्की बर्ड है ना, गीज है, ये सारी इसमें यूज होती है। ब्रीडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम ब्रीडिंग की बात करते हैं तो हमने आपको बताया दो तरीके की ब्रीडिंग होती है, इन ब्रीडिंग और आपकी आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में कह रहा है सर, ये भी याद रखिएगा, क्लोज रिलेटिव्स होते हैं सर ये, सेम ब्रीड तो है ही लेकिन इसके साथ साथ ये क्लोज रिलेटिव्स भी होते हैं। क्लियर है सर, डन। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सर आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग की अगर बात करते हैं तो आउट ब्रीडिंग में हमने आपको चार तीन कैटेगरी बताई। आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग में हम क्या करता है, ब्रीड सेम होता है और बेसिकली इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने में यूज होता है। आउट क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, हम दो सुपीरियर अलग अलग ब्रीड लेते हैं और उससे नई ब्रीड बनाते हैं। जैसे हिरसा डेल बनाई हमने पंजाब में, है ना, सीप की वैरायटी बीकानेरी एप्स और मरेरी एप्स की तरह। इंडस पे की हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हमने म्यूल बनाया तो डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज के बीच क्रॉस कराते हैं। कंट्रोल ब्रीडिंग में अगर बात करें तो आप याद रखिएगा मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक यहाँ पर बताई गई है, एफएसएस लाइक हार्मोन। देन यहाँ पर याद रखिएगा सर सुपर ओवुलेशन में सुपर 6 to 8 ओव निकलते हैं। देन अगर आप बी कीपिंग में आप एक आपकी जो स्पीसीज है एपिस एंडिका याद रखिएगा। देन इसके साथ साथ यहाँ पर फिशरीज में कह रहा है याद रखिएगा कटला रोहू कॉमन क्रॉप जो है फ्रेश वाटर स्पीसीज है, और जो हिलसार्डन सर्डाइन मर्कल्स और पंपरेट है ये कैसी है, मरीन वाटर फिशेस है। क्लियर है सर। देन यहाँ पर कह रहा है प्लांट ब्रीडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग में कह रहा है सर हमारे पास 5 स्टेप्स है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताए थे सर। देन यहाँ पर कह रहा है सर यहाँ पर जो आपका सॉरी भैया। तो हाँ भैया, हाँ थोड़ा सा आपको मिस आप में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं आपसे। वाला क्लास बाद में ले लीजिए सर, कोई नहीं सर, नहीं सर आपको इतना डिस्टर्ब हुआ है ना उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप सभी से हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं। चलिए सर, चलिए आगे देखते हैं सर। आगे कह रहा है सर कि प्लांट ब्रीडिंग में हमारे पास चार 5 स्टेप्स हैं, कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, दूसरा है हमारा, दूसरा हमारा इवेल्युएशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट एंड सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग एंड सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट एंड टेस्टिंग रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेट। ठीक है सर। देन इसके बाद यहाँ पर बताया कि सर ब्रीड का प्रोडक्शन अभी अभी मैं आपको बता चुका हूँ, नॉर्मली बोरलॉग्स आपका जो है हमारे उन्हें कहते हैं उन्हें, हाँ जो नॉर्मली बोरलॉग साहब है उनके उनको बोलते हैं हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। देन कह रहा है सोनालिका कल्याण सोना याद रखिएगा वीट की वैरायटी है सर। देन यहाँ याद रखिए सर IR8 किसने डेवलप की थी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, फिलीपींस ने, ताई क्या टाइचू नेटिव फर्स्ट ताइवान ने करी थी बेटर, जया रत्ना इंडियन वैरायटी है आपकी राइस की सर। एंड देन क्या सैक्रम बारबेडी नॉर्थ इंडिया की है, सैक्रम ऑफिसरीनम साउथ इंडिया की। मिलेट्स क्या होते हैं सर, मोटे अनाजों को कहते हैं, है ना, हाइब्रिड कह रहा है कि यहाँ पर आपका मेज है, ज्वार है, बाजरा, यानी कि ये मोटे अनाजों में आते हैं। इसके बाद वीट की वैरायटी याद रखिएगा सर, पूछी गई हिमगिरी इंपॉर्टेंट है सर, और तो अभी मैंने आपको बता दी थी सारी की सारी। देन यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, यहाँ पर कह रहा है सर म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू हमने क्या बनाया सर, हमने हमने बनाई है
यहाँ पर आपकी प्रभानी क्रांति, क्या बनाई है? प्रभानी क्रांति मूंग बीन बनाई है सर। ये लो मुझे एक बार ऐसे दो हमने वैरायटीज यहाँ पर बताई है जो आपकी म्यूटेशन ब्रीडिंग से बनती है। प्लांट ब्रीडिंग डेवलप करती है इंसेक्ट रेजिस्टेंस, और इंसेक्ट रेजिस्टेंस की जो वैरायटीज बनाई गई यहाँ पर उनमें कह रहा है सर, जैसे हेयरी लीव्स हो जाती है प्लांट के ऊपर, इंसेक्ट से रेजिस्टेंस देती है, जैसे जैसे कॉटन में बनाया गया सर। वीट सॉलिड सेम लीड टू द नॉन प्रेफरेंस बाय द स्टेम्स सेफ्टी एंड स्मूथ लीव्स एंड नेक्टरलेस कॉटन वेराइटी एंड हाई एस्पार्टिक एसिड नाइट्रोजन, जो हाई एस्पार्टिक एसिड या लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट मेज में कर दिया, इससे भी रेजिस्टेंस मिलती है। ब्रैसिका की वेराइटी जो है पूसा गौरव एफिड से, फ्लैट बी की जो है पूसा सेम टू पूसा सेम थ्री है सर, है ना सर, जेसिड्स एफिड्स ऑफ फ्रूट बोरर से, ओकरा विंडी की पूसा स्वामिनी है सूड सूड बोरर और फूड बोरर। देन यहाँ पर कह रहा है 840 मिलियन पीपल्स जो है जो जो भुखमरी से जूझ रहे हैं, और कह रहा है कि लगभग 3 बिलियन है जो हिडन हंगर से। हिडन हंगर का हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो क्या हो सकता है? बायोफोर्टिफिकेशन। और साथ ही साथ कह रहा है इसमें चार चीजों के ऊपर काम करते हैं, प्रोटीन कंटेंट को क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के कंटेंट को हम अपने फूड में बढ़ाते हैं सर। देन कह रहा है मेज की वरायटी में हमने क्या किया सर, ट्वाइस कर दिया है अमाइनो एसिड का कंसंट्रेशन सर। देन कह रहा है वीट वरायटी एटलस की है सर, जिसमें हमने क्या बढ़ा दिया, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाया है सर, एंड आयरन फोर्टिफिकेशन भी हमने किया है सर। विटामिन ए इंडियस कॉर्न बनाई, कैरेट स्पेनिच और पंपकिन बनाई, विटामिन सी इंडिस के आप बनाई है सर, बीटर ग्राउंड बथुआ मस्टर्ड एंड टोमेटो, आयरन का क्या और कैल्शियम जिस क्या बनाया स्पेनिच और बथुआ, एंड प्रोटीन इंडिस हमने क्या बनाई ब्रॉड लबलब फ्रेंच स्किप गार्डन पी। ये किसने बनाई है सारी? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है सर। देन कह रहा है देन यहाँ पर कह रहा है मोर देन 50% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम द हंगर, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन, उसका हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है आपका स्पारलिना, क्या है स्पारलिना। देन कह रहा है मेथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस, ये एक बैक्टीरिया है सर हमारा, ये बैक्टीरिया क्या करता है हमारा सिंगल सेल ये प्रोटीन कंटेंट बढ़ा रहा है सर। देन कह रहा है टिश्यू कल्चर में याद रखिएगा सर, टिश्यू कल्चर में कह रहा है सर एक्स प्लांट के थ्रू को हम क्या करते हैं टोटिपोटेंसी देते हैं, उसको न्यूट्रिटिव मीडियम में डालते हैं, न्यूट्रिटिव मीडियम का जो कंपोजिशन है याद रखिएगा सर, उसमें शुगर सोल्यूशन होता है, उसमें आयनिक साल्ट्स होते हैं, उसमें विटामिन होती है, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइन। कह रहे हैं इसके थ्रू माइक्रो प्रोपोगेशन कर सकते हैं, और माइक्रो प्रोपोगेशन से बनने वाले जो प्लांट होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं सोमा क्लोन्स ही होते हैं सर। देन कह रहे हैं सर हमने ये काम किया भी है सोमा क्लोन्स वाला, टोमेटो पे बनाना पे पाइनएप्पल पे ये काम किया है हम लोगों ने। देन यहाँ पर कह रहा है साहब कि हमारा हमारा जो प्लांट है प्लांट वायरस के अगर किसी प्लांट को वायरस इन्फेक्ट करता है तो उसका मेरिस्मेटिक पार्ट लेकर के हम उसे वायरस फ्री प्लांट फिर से रिगेन कर सकते हैं। ये 2012 और 14 में पूछा गया। देन यहाँ पर कह रहा है 2015 में एक क्वेश्चन आया सर हमारा, आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम द प्लांट आफ्टर द डाइजेस्टिंग द सेल वॉल एंड द बींग आइसोलेटेड नेगेट, उसे हम क्या कहते हैं प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, और देन कह रहा है उसको हम फ्यूज कर देते हैं, और फ्यूज करने के बाद हम क्या बनाते हैं सोमेटिक हाइब्रिड बनाते हैं, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसके थ्रू हमने पोमेटो बनाया है सर, पोमेटो टोमेटो और पोटैटो को मिलाकर बनाया गया, बट कॉमर्शियली ये अवेलेबल नहीं है। दैट इज ऑल अबाउट अबाउट आवर द स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन। ये किसकी बात हो गई, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन। तो हमने आपको एनसीईआरटी से भी रिवाइज करा दिया, हमने आपको क्विक हमारा जो नोट्स है उससे भी हमने आपको बता दिया, एनसीईआरटी बता दिया कहाँ कहाँ से आ रहा है, और रिवीजन करा दिया सर। क्लियर है सर? सेकेंड चैप्टर जो हमारी आज की क्लास का है सर, ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंड चैप्टर है हमारी आज की क्लास का वो है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पर सबसे पहले बात की गई कि हमारे पास जो फाइव किंगडम है, फाइव किंगडम में हमारे कौन से किंगडम है जिन जिनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मोनेरा और प्रोटिस्टा है सर, ठीक है सर। देन कह रहा है कि वो क्या इसके अलावा और किसी में नहीं है, फंजाई में भी है, लेकिन सर कह रहा है कि सबसे यूनिकली केवल किसमें है, मोनेरस और प्रोटिस्टास में सर। देन यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है भैया ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है बच्चा पार्टी कि माइक्रोब्स कैसे किसे किसे कह सकते हैं। माइक्रोब्स कह रहा है प्रोटोजोअन्स है हमारे, बैक्टीरिया है, फंजाई है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है, प्लांट वायरसेस है, ये हर जगह पाए जाते हैं सर, थर्मल वेंट्स में भी पाए जाते हैं, डीप सी में, सॉयल में भी पाए जाते हैं, एवरीवेयर है माइक्रोब्स सर। यहाँ पर कुछ माइक्रोब्स के फोटोग्राफ्स भी दिए गए, जैसे आपके बैक्टीरिया के दिए गए हैं, रॉड शेप का है, बेसिलस है,
है ना, तो यहाँ पर बैक्टीरिया की फोटोग्राफ दी गई है, ये हमारा बैक्टीरियोफेज का फोटोग्राफ है, ये एडिनो वायरस का है और ये टोबैको मोज़ेक वायरस का है, तीनों वायरसेस के फोटोग्राफ है और ये बैक्टीरिया के फोटोग्राफ है। हम कल्चर बना सकते हैं बैक्टीरिया का और फंगस का, वायरस का कल्चर प्लेट नहीं बना सकते क्योंकि वो लिविंग सिस्टम में ग्रो करता है। इसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा सर। इसके बाद कर रहा है कि इसमें ये विटामिन B12 को इंड्यूस कर देता है और स्टमक में इन्फेक्शन डिजीज को चेक करता है सर। इसके अलावा आप याद रखिएगा ईस्ट सैक्रोमाइसम सर्वेसियाई, इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, इसे बेवरेज ईस्ट भी कहते हैं सर। टॉडी जरूर याद रखिएगा, ट्रेडिशनल इंड है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है किसका, साउथ इंडियंस का सर। यहाँ याद रखिएगा हम फर्मेंटेशन के थ्रू फिशेज को सब फर्मेंटेज करते हैं, सोयाबीन को, बम्बू को करते हैं, चीज जो है हमारा, चीज को याद रखिएगा सर। चीज में यहाँ पर बताई गई है स्विस चीज बताई गई है, ये स्विस चीज किससे बनती है, प्रोपेनो बैक्टीरियम सेरेमनाई से बनती है और ये एक बैक्टीरिया सर। रोकीफाइड चीज फंगस से बनती है याद रखिएगा सर, फंगस से बनती है और ये फंगस का नाम है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई। जैसे माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अगर हम याद जाए तो बेवरेज की बात की गई है, ये किससे बनते हैं, ये सैक्रोमाइसम सर्वेसियाई से, और ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या होगा, वो प्रोसेस पे डिपेंड करेगा और उसको मिलने वाले सब्सट्रेट पे। तो बेसिकली यहाँ पर 5 प्रकार के बेवरेज बताए गए, उनमें से 2 होते हैं जो आपके विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, वियर और वाइन, और विद डिस्टिलेशन कौन बनते हैं भैया, विस्की, ब्रांडी और रम बनते हैं। इसके बाद एंटीबायोटिक्स की बात की गई है, भैया एंटी मीन्स अगेंस्ट होता है, बायोस मतलब लाइफ, ये जो लाइफ हमारे अगेंस्ट है उसके अगेंस्ट है। ह्यूमन के लिए कैसी होती है, प्रो लाइफ होती है। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो खोजी गई वो किसने खोजी सर, आपके ये खोजी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में फर्स्ट एंटीबायोटिक्स खोजा था भैया, फर्स्ट एंटीबायोटिक खोजा था। और इन्होंने इस किस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे सर, ये काम कर रहे थे स्टेफलोकोकाई पे, है ना, स्टेफलोकोकाई पे काम कर रहे थे और पेनिसिलियम नोटेटम से इन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। ये कह रहा सर ये जो पेनिसिलिन है ये इसको एज ए एंटीबायोटिक सप्लाईज किया था अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे ने। सेकेंड वर्ल्ड वार में इसे यूज किया गया था अमेरिकन सोल्डर्स के ऊपर और फ्लेमिंग चैन और फ्लोरे को 1945 में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर सर, यहाँ पर देखिए 20, 21, 19, 16, 13, 11 बहुत ज्यादा बार पूछा गया सर। ये एस्परजिनस नाइगस फंगस है जिससे हमें सिट्रिक एसिड मिलता है, हमारा एसिटोबैक्टर एसिटाई हमारा एसिटिक एसिड मिलता है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटिकम बैक्टीरिया है जिससे हमसे ब्यूटिक एसिड मिलता है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया जिससे हमको लैक्टिक एसिड मिलता है। देन इसके बाद यहाँ पर बात कर रहा है सर सैक्रोमाइसियम सर्वेसियाई, सैक्रोमाइसियम सर्वेसियाई से इथेनॉल मिलता है। देन यहां पर कह रहा है लाइपेज, लाइपेजेस जो होते हैं इनको हम लॉन्ड्री में यूज करते हैं सर। और देन यहाँ पर बता रहा है कि बोटल जूस की क्लीनिंग के लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पर क्या बोटल जूस जो होती है उसमें यूज करते हैं क्लीनिंग में, पेक्टिनेज यूज करते हैं और प्रोटीज यूज करते हैं। स्टेप्टोकाइनेज जो होता है बैक्टीरिया से बनता है, बैक्टीरिया का नाम स्टेप्टोकोकस है, ये एक जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनने वाली एक मेडिसिन है जो क्लॉट बस्टर्स के रूप में यूज होती है उन पेशेंट्स में जो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन से डिजीज होते हैं। यहाँ पर कह रहा है साइक्लोस्पोरिन ए, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलती है और ये एक फंगस है सर। देन कह रहा है स्टैटिन इज अनदर मेडिसिन जो हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है सर और ये हमको ईस्ट से मिलता है, मोनस्कस परप्यूरियस। दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई सर, क्लियर है सर, बताइए कैसा चल रहा है डिवीजन, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भैया त्यागी साहब। पेनिसिलिन रोक्यूफोर्टाई बिल्कुल, अंशु अंशु गुड मॉर्निंग, ब्रजेश कुमार, आकांक्षा पांडे, आकांक्षा पांडे, सुनील कुशवाहा जी, गुरु जी हाँ ठीक है सर, रवि राजन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए आगे देखते हैं सर, माइक्रोबियल इन सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें सर, तो हमारा जो सीवेज होता है STP कहते हैं सर, सीवेज ट्रीटमेंट कह रहा है सर। सीवेज में बेसिकली होता क्या है, म्यूनसिपल वेस्ट होता है, म्यूनसिपल वेस्ट में बेसिकली क्या है, ह्यूमन एस्क्रीटा होता है। ह्यूमन एस्क्रीटा में, ह्यूमन एस्क्रीटा को प्योरीफाई करने के मेजर 2 स्टेप्स हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, इसमें हम करते हैं फिजिकल रिमूवल करते हैं सर सॉलिड वेस्ट का सर। कैसे करते हैं सर, फिल्ट्रेशन के द्वारा हम इसमें फिल्ट्रेशन करते हैं, इसमें हम वाटर डेब्रीज को रिमूव करते हैं, किसको, फ्लोटिंग डेब्रीज को हटाते हैं और हम सेडिमेंटेशन करते हैं सर। तो बेसिकली फाइनली हम क्या करते हैं, पहले छानते हैं, वाटर डेब्री को हटाते हैं और देन उसको क्या करते हैं हम यहाँ पर
इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेडिमेंट कर रहे हैं। सेडिमेंट जिसमें करते हैं उसे हम सेटलिंग टैंक कहते हैं सर। और सेटलिंग टैंक में हमें क्या मिलता है, ऊपर की तरफ इफ्लुएंट मिलता है, नीचे की तरफ प्राइमरी स्लज मिलता है। अब जो ये प्राइमरी स्लज है हमारा, इसे हम ले जाते हैं लार्ज एरेशन टैंक में। कहाँ ले जाते हैं, लार्ज एरेशन टैंक में। और लार्ज एरेशन टैंक में क्या बनते हैं, फ्लॉक्स बनते हैं। फ्लॉक्स क्या होते हैं भैया, फ्लॉक्स बैक्टीरिया और फंगस के बीच के एसोसिएशन है, और ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, और जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है सर। तो बेसिकली बीओडी जो है हमारा, इसका फुल फॉर्म क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और फिर इसे हम कहाँ ले जाते हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में ले जाते हैं, और जहां पर हमें नीचे मिल जाता है एक्टिवेटेड स्लज, और ऊपर क्या मिल जाता है, इफ्लुएंट मिल जाता है। अब इस इफ्लुएंट जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसे कहाँ ले जाते हैं, एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर में ले जाते हैं। और इस एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर में जब इसे हम ले जाएंगे, तो इसके यहाँ पर हमें हमें क्या मिलती है, बायोगैस मिलती है। और उस बायोगैस का नाम क्या है, मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये पाई जाती है। देन कह रहा तागी साहब यहाँ पर, देन यहाँ पर कह रहा है कि हमारा जो बचा हुआ जो इफ्लुएंट है उसे हम रिवर में डाल सकते हैं। देन यहाँ पर कह रहा है कि हमारा जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो हमारा बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, उसका हमारे पास कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। गंगा एक्शन प्लांट, यमुना एक्शन प्लांट याद रखिएगा सर, कौन चला रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट चला रही है सर। देन कह रहा है बायोगैस मिक्सचर किसका, बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग द प्रीडोमिनेंटली मेथेन। देन कह रहा है सर यहाँ पर मेथेनोजेंस होते हैं सर, जो बायोगैस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, गोबर गैस भी इसे कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सर जो आपका बायोगैस प्लांट है वो किसने बनाया है, वो बनाया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने बनाया। इसमें तीन टैंक्स आप देख पा रहे हैं, बीच वाला टैंक जो है ये मेन टैंक है, इसमें 10 से 15 फीट की इसकी गहराई होती है, इधर से ताजा गोबर डालते हैं और यहाँ से सस्पेंडेड स्लरी हम निकालते हैं। ये टेक्निक किसने डेवलप की है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने डेवलप करी है। अब कह रहा है सर कि हमारी जो आज की डेट में जो कन्वेंशनल फार्मिंग है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा हमारा यूज होता है, क्या यूज हो रहा है, उसमें यूज हो रहा है तुम्हारा केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल इंसेक्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड। केमिकल इंसेक्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड यूज जो हो रहा है हमारा, इससे हमारा क्या हो रहा है सर, सॉयल पोल्यूटेड हो रहा है, हमारा वाटर पोल्यूटेड हो रहा है। तो इसका हमारे पास कोई दूसरा सब्सटीट्यूट हो सकता है क्या, हो सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका सब्सटीट्यूट हो सकता है, लेकिन इसका सब्सटीट्यूट बनाएंगे फिर भुखमरी से मर जाएंगे, है ना। तो भुखमरी फिर हमने कहा फिर क्या क्या है सकते हैं, बोले हम इस केमिकल्स के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए कह रहा बायो, अब जैसे आपके घर में क्या है, आपके घर में चूहे का नंबर बढ़ गया तो आप बिल्ली पाल लो, तो बिल्ली क्या करेगी, चूहे का नंबर घटा देगी। चूहा रहेगा लेकिन चूहे का नंबर उतना ज्यादा नहीं रहेगा, होगा, दैट इज अ मैनेजेबल लेवल। कैसा है, मैनेजेबल लेवल। तो वैसे ही कह रहा है यहाँ पर लेडी बर्ड है, क्या कह रहा है, लेडी बर्ड, इसे हिंदी में गुबरेला कहते हैं। अगर आपके खेत में एफिड्स आ गया है तो अपने खेत में लेडी बर्ड डाल दो, तो इसके आपके खेत के क्या कम हो जाएंगे, एफिड्स कम हो जाएंगे। और कह रहा है अगर आपके गांव घर में खेत में मॉस्किटो ज्यादा है तो आप एक काम करो, ड्रैगन फ्लाई छोड़ दो। ड्रैगन फ्लाई किसे खा लेता है, मॉस्किटो को खा लेता है। इसके बाद कह रहा है कि माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट की अगर बात करें तो इसमें नाम बता रहा है, जैसे बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर लार्वा होता है वो बैसिलस सीरोजेनेसिस के द्वारा बनाए गए प्रोटीन की वजह से क्या होता है, मर जाता है सर। डिटेल में बात करेंगे इसके बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर। देन यहाँ पर आप याद रखिए बस इतना, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में बैसिलस सीरोजेनेसिस। दूसरा नाम याद रखिएगा यहाँ से, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है। और तीसरा नाम याद रखिएगा, बकलोल नहीं है सर, बैकलो वायरस है सर। बैकलो वायरस जो है ये जो बैकलो वायरस, इसका जीनस क्या होता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस होता है। तो बेसिकली माइक्रोबियल बायो कंट्रोल यहाँ पर बताए गए हैं, कितने कितने बताए गए बोलो, कितने बताए गए बोलो, तीन बताए गए। देन इसके बाद देखो बता रहा है कि बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर के रूप में तीन चीजें यूज हो रही है। कितनी चीजें यूज हो रही है, तीन चीजें, एक तो बैक्टीरिया है, दूसरा फंगस है, दूसरा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है सर। यहाँ पर कह रहा है सर कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में यहाँ पर नाम बताया गया राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ मिलकर के क्या बनाता है, रूट नोड्यूल बनाता है। और ये क्या करता है सर, फास्फोरस कंटेंट ऑर्गेन कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है सर। इसके अलावा कह रहा है जैसे एजोस्पर्म है, एजोबैक्टर है, ये भी बैक्टीरिया है जो फ्री सॉयल में फ्री रह करके क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। देखो फर्क क्या है, ये जो राइजोबियम है ये सिम्बायोटिक है सर, देखिए 11 और 17 में पूछा गया। और एजोस्पर्म एस्टोबैक्टर कैसे है, फ्री लिविंग है। देखो देन कह रहा है माइकोराइजा, माइकोराइजा कह रहा है सर, माइको माइका मींस होता है फंगस, राइजा मतलब हायर प्लांट की रूट। इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है एक और जीनस ग्लूमस, और ये क्या बनाता है, माइकोराइजा। अब माइकोराइजा में ऐसे समझो ना, मैं तो ऐसे कहता हूं सर कि फंगस इज अ
फंगस इज द मम्मी, और नहीं, फंगस जो है वो पापा है और मम्मी है जो खाना बनाती है, यानी कि एल्गी, है ना। तो यहां पर कह रहा है सर, फास्ट फंगस क्या कर रहा है, फंगस ला रहा है फास्ट फंगस जो है रूट बॉर्न पैथो, यहाँ पर जो है माइकोराइजा रूट बॉर्न पैथोजन से रेजिस्टेंस देता है। इसके साथ साथ ये कर कर रहा है सॉइल से फास्फोरस लेकर आता है। इसके साथ साथ टॉलरेंस देता है। टॉलरेंस का मतलब क्या है सर? टॉलरेंस का मतलब ये है सर, मतलब अभी मैंने बहुत तेज तेज से आवाज करी, आपने उसे टॉलरेट किया, है ना, आपके अंदर मेरी आवाज झेलने की क्षमता है, तो दैट इज द टॉलरेंस, है ना, सैनिटी के लिए और ड्रॉट के लिए, है ना। मैं अच्छा नहीं भी पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत है मुझे तो आप मुझे टॉलरेट कर रहे हैं, दैट इज द टॉलरेंस। देन कह रहा है सर एल्गी क्या करता है, एल्गी खाना बनाता है और रहने के लिए घर देता है। इसके बाद कह रहा है सर, इसके बाद कह रहा है सर यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, ये माइक्रोब है सर, टेरिस्ट्रियल भी हो सकता है, ये एक्वाटिक भी हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सर ये, जैसे एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया, स्पारलिना, इसे हम पैडी फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। और पैडी फील्ड्स क्या होती है, धान की खेती कहते हैं, किसको, धान की खेती किसे कहते हैं, पैडी फील्ड्स को। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई सर? तो भैया बताइए, ये हो गया हमारा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की, लाइन बाय लाइन से हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं। देन कह रहा है सर, देन यहाँ पर क्या कह रहा है मालिक, देखो भैया ध्यान से देखिएगा, अब आ जाते हैं हम अपने रिवीजन क्विक नोट्स के थ्रू माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को करने की कोशिश करते हैं। देखिए सर क्या आता है समझ में, कि आपको आता है कि नहीं आता, बताइए भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ भैया। हाँ मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको उतना ज्यादा बेटर मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पूरा का पूरा बेनिफिट हो जाए। देन यहाँ पर कह रहा है 179 to 189 सर यहाँ पर पेज नंबर तक ये पाया जाता है, ये चैप्टर दो पेजेस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 186 to 184 पेजेस जो है इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पर देखिए सर, सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट आपको याद रखना है, याद रखना है माइक्रोब जो प्रोटोजोआ बैक्टीरिया फंगाई माइक्रोस्कोपिक एनिमल से माइक्रोब्स में आते हैं सर, बैक्टीरिया रॉड सेप स्फेरिकल जो है, और जो इनका इनको बड़ा इनको मैग्निफाई किया गया 1500 टाइम, रॉड से बैसिला को किया गया 50,000 TMB को किया गया 1 lakh to 1 lakh 50,000 सर, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस विटामिन B12 बढ़ा देता है सर, नीट 2018 में पूछा गया सर। देन यहाँ पर देखिए कह रहा है डिजीज को भी कम करने में मदद कर रहा है, इडली डोसा बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज होता है सर। देन यहाँ पर कह रहा है टॉडी कहाँ के लोग पीते हैं, टॉडी पीते हैं साउथ इंडियंस, कहाँ के लोग पीते हैं, साउथ रहा है यहां पर आपका जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसको फिशेस को भी फर्मेंटेट करते हैं, यानी मछली का अचार बना लो, सोयाबीन का अचार बना लो, बम्बू का अचार बना लो। देन यहाँ पर क्या कह रहा है, बम्बू का मतलब बांस का। देन यहाँ पर कह रहा है सर कि हमारा प्रोपेनोबैक्टीरियम सेरेमिनाई जो है ये क्या बनाता है, स्विस चीज बनाता है, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टे क्या बनाता है, रोक्यूफाइड चीज बनाता है, एंड देन सैक्रोमाइसम सर्वेसाई ईस्ट जो होता है वो बियर वाइन ब्रांडी रम बिस्की ब्रांड वोडका बनाता है। देन कह रहा है सर अल्कोहल वो जो विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं वो कौन से हैं सर, बियर और वाइन है, और विद डिस्टिलेशन कौन बनते हैं, विस्की ब्रांडी और रम बनते हैं। भैया एंटीबायोटिक्स 20th सेंचुरी में खोजी गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, सैक्रोमाइसम सर्वेसे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फंगस पेनिसिलियम नोटेटम, अर्नेस्ट एंड हार्वर्ड फ्लोरे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया हुआ, और 1945 में नोबेल प्राइज मिला था। एस्परजिलस जो है वो सिट्रिक एसिड, एस्टोबैक्टर एसिडाई एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम बोटनिकम ब्यूटिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, क्लियर है सर। देन इसके बाद कह रहा है सर आपका एथेनॉल किससे बनता है, सैक्रोमाइसिन सर्वेसियाई से, 2011 2019 2017 2015 में पूछा गया सर। देन कह रहा है लाइपेजेस, लाइपेजेस क्या करते हैं सर, लॉन्ड्री में यूज होते हैं, मैग्नीशियम प्रोटीज बोटल जूस की क्लीनिंग में यूज होते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होते हैं हमारे बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर बनता है, क्लॉट बस्टर के रूप में यूज होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक, साइक्लोस्पोरिन ए जो है इम्यूनो सप्रेसिव है सर 2000, ये है जो इम्यूनो सप्रेसिव है सर, ये आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को दिया जाता है सर साइक्लोस्पोरिन ए। देन कह रहा है स्टैटिन मोलस्कस परफ्यूरिया से मिलता है, और ये हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। देन कह रहा है सीवेज ट्रीटमेंट में एसटीपी, एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट हेट्रो
हेटरोटॉपिक माइक्रोसिस में पाए जाते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज द फिजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम फिल्ट्रेशन करते हैं, फ्लोटिंग डेब्रीज को हटाते हैं, सेडिमेंटेशन में सॉयल क्रीडी यानी कि सॉलिड वेस्ट को हटाते हैं, देन प्राइमरी इफ्लुएंट को हम कहाँ भेजते हैं, लार्ज एरेशन टैंक में। लार्ज एरेशन टैंक में क्या होता है सर, फ्लोक्स बनते हैं सर, और फ्लोक्स क्या होते हैं सर, फंगस और बैक्टीरियल एसोसिएशन है। बीओडी क्या करता है सर, बीओडी हमारे ऑर्गेनिक मैटर को कम हो जाएगा तो बीओडी भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ड्यूरिंग द डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस में प्रीडोमिनेंटली सबसे ज्यादा क्या होती है, मेथेन होती है। गंगा एक्शन प्लांट और यमुना एक्शन प्लांट कौन चलाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट चलाती है सर। देन इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे रोमेंस, रोमेंस क्या होते हैं, जो कैटल्स होते हैं जिन्हें जुगाली करने वाले जानवर कहते हैं, उनके उनके इंटेस्टाइन में क्या रहता है था आपका पाया जाता है आपका आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया का नाम क्या है, उस आर्किबैक्टीरिया का नाम बताइए जो रोमिनेंट्स के गट में पाया जाता है, उस आर्किबैक्टीरिया का नाम बताइए जो रोमिनेंट्स के गट में पाया जाता है, मेथनोजेंस। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब कह रहा है सर ये बनाया किसने था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। देन यहां पर कह रहा है बायो कंट्रोल एजेंट की बात करें सर, तो एफिड्स लेडी बर्ड जो है हमारा वो एफिड्स के द्वारा कंट्रोल होता है, सॉरी लेडी बर्ड एफिड्स को कंट्रोल करता है, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को कंट्रोल करता है, बैसिलस सीरोजिनेसिस ये माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट है, ट्राइकोडर्मा जो हमारा है रूट इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन दे रहा है, बैक्लोवायरस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीनस में आता है सर, इंडिकेटर पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में यूज होते हैं सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम यूज करते हैं क्या बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर तीन टाइप के बताए, बैक्टीरिया फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया। एंड अगर आप बैक्टीरिया की बात करें तो कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन है, कुछ सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक में से फ्रेंकिया है, राइजोबियम है, फ्रेंकिया एलनस में पाया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट में सर, एजोस्पारेलम एजिटोबैक्टर बिजायर एंकिस फ्री लिविंग होते हैं सर। देन यहाँ पर बात करता है सर, देन यहाँ पर बात करता है माइकोराइजा, माइका मीन्स क्या होता है फंगस, राइजा मतलब रूट, जो हमारी हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएशन करेगा। ग्लूमस क्या होता है, माइकोराइजा को कहते हैं सर। देन यहाँ पर कह रहा है सर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नॉन स्टॉक एनामिना ऑसिलेटेड एस्पारलिना और ये पेडीफिल्स में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई सर, क्लियर है सर, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्या ये, देखो डन है सर, क्लियर है सर, यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भैया समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल सर, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना, आप इतना ख्याल रखते हैं हमारा। बिल्कुल सर, गर्म चाय आने वाली है, अभी मिल जाएगी सर। चलिए ये सिंह सर ने शुरू किया था चलिए सर, तो यहां पर आकर के हमने आपको ये करा दिया क्विक रिवीजन, बताओ समझ में आया कि नहीं आया भैया, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, हल्दी वाला दूध पियेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सजेशंस के लिए, कोशिश करेंगे आपकी सारी बातें पूरी कर पाए हम, मेहनत करेंगे सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस आप ये बताइए आपको सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी से बताओ भैया। हाँ चलिए, तो आ जाते हैं पीवाईक्यू सेशन पे, पीवाईक्यू सेशन हमारा, पीवाईक्यू सेशन पे आ जाते हैं सर, पीवाईक्यू सेशन में। चलिए देखिए भैया, क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में है, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस विथ, कह रहा म्यूटेशन इंड्यूस किया जा सकता है, बताइए भैया, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस विथ, यस म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस विथ किसके द्वारा, गामा रेडिएशन, इंफ्रा रेडिएशन, आई आई ए एथिलीन, दैट इज अ गामा रेडिएशन। बीच बीच में फड़फड़ कर रहा है सर भैया फड़फड़ हम ही कर रहे हैं यार भाई आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं समझ सकता हूँ लेकिन वो फड़फड़ की आवाज हम ही ने करी भाई, आई एम सॉरी भैया। तो यहाँ पर कह रहा है गामा रेडिएशन, चलिए सर नेक्स्ट कह रहा है सर, गर्म पानी पी रहे हैं बीच बीच, गर्म पानी पीते रहिए, हाँ सर पीते अभी सर। तो दूसरा क्वेश्चन है हिमगिरी डेवलप बाय द हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रस पैथोजन वैरायटी, चलिए बताइए भैया।
हिमगिरी डेवलप बाय द हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट अगेंस्ट द पैथोजन वैरायटी। जल्दी से बताइए किसकी वैरायटी है सर ये। हाँ, हिमगिरी डेवलप बाय द हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस। किसकी है भैया? वीट की है सर। किसकी है? वीट। वीट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्या कह रहा है सर? नेक्स्ट कह रहा है थर्ड, देखिए, जया रत्ना डेवलप फॉर द ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया इन द वैरायटीज। आप पर जया रत्ना किसकी है? जया रत्ना राइस की है। जया रत्ना राइस की है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट बताइए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, धमाकेदार क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग इज द केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग। इनमें से कौन सा केस है जो रॉन्ग मैचिंग का, जल्दी से बताइए। माइक्रो प्रोपोगेशन है, इन विट्रो प्लांट लार्ज नंबर, सही है सर। कैलस अंडाया, अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल प्रोड्यूस टिश्यू कल्चर, सही है सर। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन फ्यूजन ऑफ टू डिराइव सेल्स, ठीक है। वेक्टर डीएनए साइट ऑफ टीआरएनए सिंथेसिस, सर गलत हो गया सर। ये वेक्टर डीएनए और आई देता है सर। आंसर क्या जाएगा? डी। हाँ, तीसरा क्यों जाएगा भैया? मिस परफेक्ट, गलत बात है सर। फोर्थ आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द राइजिंग द वायरस फ्री फ्रॉम द माइक्रो प्रोपोगेशन, जल्दी से बताइए। कौन सा? मेरिस्मेटिक पार्ट। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा फर्स्ट, दैट इज द मेरिस्मेटिक पार्ट, फर्स्ट ही जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सर, इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड हैविंग द ऑल डिराइव एलील एंड ऑल जीन इन द गिवन क्रॉप इन कार्ड, कह रहा है सर। क्वेश्चन कह रहा है सर, बताइए जल्दी से बताइए भैया। फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से बताइए भैया। क्या कह रहा है सर? जर्म प्लांट कलेक्शन, बिल्कुल सही सर। आंसर जाएगा सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टू ऑब्टेन द वायरस फ्री हेल्दी प्लांट फ्रॉम द डिजीज वन बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक, विच पार्ट ऑफ डिजीज पार्ट इज टेकन। एपिकल मेरिस्टम, ठीक है ले सकते हैं। पेनिसिलिन पेनिकाइमा, नहीं सर। एपिकल और एक्सिलरी बोथ, तो आंसर यहाँ पर थर्ड मोर करेक्ट है। करेक्ट ये भी है सर, बट ये मोर करेक्ट है क्योंकि इसमें दोनों ही आ जा रहे हैं। बेसिकली मेरिस्मेटिक पार्ट ही लेते हैं, तो आंसर क्या जा रहा है? 7 का सी जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर? टेक्निक ऑफ द माइक्रो प्रोपोगेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। आंसर क्या जाएगा सर? सेकंड जाएगा, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, आंसर इज द सेकंड। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांस द इंड्यूस द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है सर। कह रहा है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, देखिए सर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है सर। पॉली, जब हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो बताते हैं सर इसे, पॉली पॉली पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल एंड सोडियम नाइट्रेट, ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम टिश्यू कल्चर में बनाने में यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा आउट ब्रीडिंग इज द इम्पॉर्टेंट स्टडी फॉर एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज ऑफ इट, बताइए भैया। कह रहा है कि आउट ब्रीडिंग जो है, आउट ब्रीडिंग की बात कर रहा है सर। आउट ब्रीडिंग इज द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर एनिमल हस्बेंड्री, बताओ भैया क्यों ऐसा है सर? आउट ब्रीडिंग क्यों है सर इम्पॉर्टेंट सर, बताइए भैया क्यों है सर? क्योंकि यूजफुल ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, सही है सर, बिल्कुल सही। ये यूजफुल है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ मेटिंग ऑफ, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मोर क्लोजली रिलेटेड विद सेम ब्रीड, नहीं है तो ये तो इनब्रीडिंग हो गया। एनिमल विद द सेम ब्रीड विदाउट सम एंसेस्टर, नहीं, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज, आंसर जाएगा हमारा थर्ड, जैसे हमारा हॉर्स और डंकी। देन क्वेश्चन कह रहा है सर 12, अमंग द फॉलोइंग एडिबल फिशेस विच आर मरीन फिशेस हैव द रिच सोर्स ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड, इनमें से कौन सी फिशेज हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा होता है, तो भैया किस में होता है? मर्कल्स में होता है। और जैसे हमारी और जो अदर बताई गई है वो कैसी है? ये फ्रेश वाटर है, ये तीनों की तीनों कैसी है? फ्रेश वाटर है सर, क्लियर है सर। देन इसके क्वेश्चन नंबर 13, होमोजाइगस प्योर लाइन, होमोजाइगस प्योर लाइन मेटिंग इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज एंड मेटिंग रिलेटेड इंडिविजुअल सेम ब्रीड, आंसर जाएगा हमारा सेकंड। आंसर क्या जाएगा सर? सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन ब्रीडिंग इंक्रीज द होमोजाइगोसिटी, इनकरेक्ट देखना है सर। क्या इन ब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी कॉज करता है सर? देखते हैं सर, इन ब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी कॉज करता है, सही बात है सर। कह रहा है इन ब्रीडिंग इज एसेंशियली एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन ऑफ प्योर लाइन ऑफ एनी एनिमल, सही है सर। तीसरा कह रहा है इन ब्रीडिंग इज हार्मफुल रिसेसिव जीन आर रिड्यूस, नहीं सही, नहीं गलत हो गया सर। हार्मफुल जो होते हैं सर, हार्मफुल रिसीव नहीं होते सर, इससे हटा दिए जाते हैं। एंड रिड्यूस द फर्टिलिटी, नहीं सर, दो वो कॉन्टिन्यूस क्लोज इन ब्रीडिंग से होता है, आंसर जाएगा थर्ड, यहाँ पर गलत हो गया थर्ड। बाय विच द मेथड वाज द न्यू ब्रीड इट्स अ डेल सी फॉर्म यूजिंग टू द बीकानेरी एप्स,
क्या सर है सर सर? सर बच्चों, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हरिओम सर की तबीयत ठीक रही है? जय हिंद बच्चा पार्टी लोग। रवि राजन क्या हाल चाल, जल्दी बताइए क्या हाल चाल। सबकी तबीयत खराब हो रही है, कमेंट नहीं आ रहे बच्चों के। क्यों कमेंट क्यों नहीं, चैट को हट गया क्या? चैट डिसकनेक्टेड प्लीज वेट। कहाँ हो रहा बिना देखे बता रहे हो भैया। यस बच्चा लोग सही चल रहा बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। किंगम मिर्जापुर बेटा पेपर का लेवल बिल्कुल ठीक है और नीट में पेपर का कोई लेवल नहीं होता, कैसा भी पेपर आ सकता है। हाँ रवि रंजन देखो तबीयत खराब होने के बाद भी सर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, बिल्कुल नीट तो फुड़ना ही है। फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आता है, आएगा भाई आएगा आएगा। और बताओ ग्यारह बजे वाली क्लास क्यों नहीं चली बेटा? मंडे टू थर्सडे होती है क्लास, केमिस्ट्री क्लास होती है मंडे टू थर्सडे बाबू। रैपिड फायर अभी शुरू कर देते हैं यार, क्या बात है। थैंक यू भाई सुमन कुमारी, कल केमिस्ट्री क्लास क्यों रुक गई थी परवेश सर की? हाँ बेटा नेट चला गया था बेटा, वो कल होगी सर 11 बजे, आज 11 बजे होगी। हाँ फुल सिलेबस का रैपिड फायर होगा। ठीक है ना, चलिए तो आज बेटा यूबीटी का पेपर है, आज यूबीटी का पेपर है बच्चों। हाँ बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आप लोग रीजन एसेसन वाली स्लाइड देखी कि नहीं आप लोगों ने? हाँ भाई त्यागी हम तो सो के उठ के चले आए यार। हाँ बिल्कुल बीच बीच में आते रहेंगे। ग्रेट, चलिए एक सवाल बताइए। डाइकाइनेसिस इज मार्क्ड बाई, डाइकाइनेसिस इज मार्क्ड बाई, ठीक है ब्रिजेश, डाइकाइनेसिस इज मार्क्ड बाई। तो अब बेटा देखो आज शाम को एक काम तो बेटा हम ये करेंगे। यस टर्मिनलाइजेशन आपकी आजमा, एक काम बेटा ये करेंगे कि आज शाम को आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे और जो क्लास सुबह लगी थी ये बेटा शाम को लगाएंगे इवनिंग में, ठीक है ना। और शाम को ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, 9 बजे से क्लास लगा लेंगे, 9 से 12,
9 से 12 बेटा रोज क्लास होगी अब हमारी, एवरी डे 9 to 12, कैसा रहेगा बताइए। और आज सब लोग टेस्ट जरूर देंगे, 9 से 12 बिल्कुल फिक्स, 9 से 12 ठीक। आप जरा बताइए किसकी स्पीसीज है और कितनी है जो 12% है, 12% 12% का डेटा कहां पढ़ा बेटा, 12% का डेटा कहां पढ़ा है बेटा, न्यू लाइट कैप पर होता है और बहुत जगह टेस्ट होता है। यस बर्ड, क्या बात है भाई, हरिओम सर जी सर, देखिए बच्चा कितना जोरदार बता रहे हैं जी सर। यूबीटी का कितना हुआ था, आप जरा बताइए प्रोटीन एड्स एज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, प्रोटीन एड्स एज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। सुनील कुमार कुशवाहा ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, क्या दे दिया भाई, कोलेजन। अब कोलेजन इज मोस्ट एविडेंट प्रोटीन, मोस्ट एविडेंट प्रोटीन भी होता है कोलेजन, वेरी गुड। अगला सवाल बेटा दिया है, गंगा एक्शन प्लान वाज इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री, गंगा एक्शन प्लान वाज इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री। एक मिनट बंद करना बेटा, बस 2 मिनट में आ रहे हैं। प्लान वाज इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। यस चलिए अगला सवाल है बेटा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड एज, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड एज। यस वेरी गुड, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। और अगला सवाल है बेटा, रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्टीलर सी काउ बिलोंग्स टू, रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्टीलर सी काउ बिलोंग्स टू। रसिया वेरी गुड, अगला सवाल है बेटा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क, जितना सुनाएंगे उतना मजा आएगा, 90, क्या बात है बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है बेटा, किसकी वैरायटी है हिमगिरी, हिमगिरी इज वैरायटी ऑफ, हिमगिरी किसकी वैरायटी है भैया, तो हिमगिरी इज द वैरायटी ऑफ वीट, वेरी गुड। और बेटा अगला सवाल है, ट्यूमर रिमेन लोकलाइज्ड एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट, ट्यूमर रिमेन लोकलाइज्ड एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट, बिनाइन ट्यूमर। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज पैरासाइट ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, एंटमीबा हिस्टोलिटिका लार्ज इंटेस्टाइन। ह्यूगो डी मरीज वर्क ऑन विच प्लांट, ह्यूगो डी मरीज वर्क ऑन,
इवनिंग प्रिमरोज हीपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम हीपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम इस नॉन माइसीलियल फंजाई नॉन माइसीलियल फंजाई नॉन माइसीलियल फंजाई ईस्ट वेरी गुड. अगला सवाल है बेटा नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यस करेक्ट 14. अगला सवाल है रैंडम चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन ए जीन पूल बाय चांस इज कॉल्ड एज रैंडम चेंज इन जीन एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन ए जीन पूल बाय चांस जेनेटिक ड्रिफ्ट म्यूटेशन बेटा सडन चेंज इन जीन होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट. अगला सवाल है बेटा हु डिमॉन्स्ट्रेट लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ हु डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ नहीं बेटा लुईस पाश्चर यस रवि रंजन बिल्कुल सही बता रहे भाई लुईस पाश्चर बिल्कुल सही बात है. अगला सवाल है बेटा फर्स्ट जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर विच डिजीज फर्स्ट जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर विच डिजीज यस एडीए. और बेटा अगला सवाल है किसकी ब्रेन कैपेसिटी थी 650 टू 800 सीसी किसकी ब्रेन कैपेसिटी थी 650 टू 800 सीसी बिल्कुल सही बात होमो हैबिलिस. अगला सवाल है बेटा स्टैनली मिलर के एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड. अगला सवाल है बेटा इन्होंने मेथेन अमोनिया हाइड्रोजन वाटर वेपर में क्या लिया था क्या नहीं लिया था मेथेन अमोनिया हाइड्रोजन और वाटर वेपर में क्या नहीं लिया था आर लिया था सब लिया था क्या बात है क्या बात है. और अगला सवाल है बेटा ट्रांसफर ऑफ ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज आज ये रिवीजन करिए यूबीटी का पेपर अच्छा होगा. ट्रांसफर ऑफ ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज जीआईएफटी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब. अगला सवाल है बच्चों किस कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में कहा जा रहा है न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल नॉन स्टेरॉइडल वंस ए पी डेवलप फ्रॉम सीडीआरआई लखनऊ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल नॉन स्टेरॉइडल वंस ए वीक पिल डेवलप्ड एट सीडीआरआई लखनऊ. सहेली अब आपको यह बताना है कि सहेली ज्यादा अच्छा क्यों लगता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टान से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टान जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उससे सहेली क्यों अच्छा है सहेली उससे क्यों अच्छा है नॉन स्टेरॉइड वेरी गुड इम्यूनिटी का साइड इफेक्ट खत्म हो जाता है क्योंकि ये होता है नॉन स्टेरॉइडल वेरी गुड बहुत अच्छा. अगला सवाल है बेटा पॉलिनेशन इन ग्रासेज इज डन बाई पॉलिनेशन इन ग्रासेज इज डन बाई
विंड, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है बेटा, स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटो जो आप भाई ये प्रोसेस आप स्पर्मेटिड इज ट्रांसफॉर्म बाय स्पर्मेटो जो आ बाई द प्रोसेस आप स्पर्मियोजेनेसिस। अगला सवाल है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज बेटा पार्थिनोकार्पी नहीं होगा। अगर फ्रूट होगा तो पार्थिनोकार्पी, इंडिविजुअल हुआ पार्थिनोजेनेसिस, अगर सीड हुआ तो बेटा बोलेंगे इसको एपोमिक्सिस। अगला सवाल है बेटा, कैस्टर और बीज में ऑटोगैमी प्रिवेंट होती है गिटैनोगैमी, कैस्टर बीज में प्रिवेंट होती है ऑटोगैमी की गिटैनोगैमी, इन कैस्टर एंड बीज नहीं भाई, पपाया नहीं, पपाया नहीं बोल रहे, नो 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 नो, पपाया नहीं बोल रहे। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, प्रिवेंट ऑटोगैमी नॉट गिटैनोगैमी, ठीक है। अगला सवाल बेटा बताना है, व्हाट इज कॉल्ड एज यूबल ऑफ एंथर इमैस्कुलेशन, ठीक है। अगला सवाल है बेटा, कैरा में ऊपर कौन होता है, उगोनियम की एंथ्रेडियम, कैरा में ऊपर कौन होता है, उगोनियम की एंथ्रेडियम, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, शाम को आप सब प्यारे बच्चे लोग न्यू लाइट के चैनल पे आओगे, शाम को बेटा 9 बजे आपकी क्लास लेंगे और उसमें बेटा आपको इंपॉर्टेंट भी बताएंगे कि किस पेज में क्या पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, राइट। आज आप सब लोग यूबीटी का पेपर दीजिए बहुत अच्छे से, हाँ यस 9 PM। और ये बेटा दोस्तों में भी शेयर कर देना कि 9 बजे क्लास लेंगे हर हालत में, आज यूबीटी का पेपर है, पेपर डिस्कव होगा, हाँ ठीक है। और दूसरी बात है बेटा, इसके बाद आप लोग देखना, इसके बाद आप लोग देखना कि आपको फुल लेंथ में नंबर इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं 9 बजे रात में, यस यस सेल यूनिट करा देंगे। और बताइए सेल यूनिट के अलावा, बताइए सेल यूनिट भी करा देंगे, क्वेश्चन भी करा देंगे। पेपर तो बेटा 5 बजे से एक्सप्लेन होगा ना, तो 5 से 9 बजे तक तो पेपर एक्सप्लेन हो ही जाएगा, हाँ इकोलॉजी भी करा देंगे, सभी कुछ करना है तुम लोगों को यार, सभी कुछ करा देंगे, चिंता मत करो। जरा फटाफट एडिबल फंगस का नाम बता दीजिए, यूबीटी आपका एडिबल फंगस, हाँ सारे टॉपिक हो जाएंगे, या कहोगे तो दिन में 2-3 सेशन ले लेंगे, कहोगे तो दिन में 2-3 सेशन ले लेंगे, चिंता मत करो। मॉरल्स एंड टफेल्स, जिस स्ट्रक्चर पे कोरिडिया होता है उसको क्या बोलते हैं, जिस स्ट्रक्चर पर कोरिडिया होता है उसको क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। चलिए अगला सवाल है बेटा, कौन सा फाइलम है जहां से 3 जर्मिनल लेयर स्टार्ट हुआ, एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म, किस फाइलम से 3 जर्मिनल लेयर स्टार्ट हुआ, प्लेटियल मेंथीज, किस सेल को निकाल दे तो स्पंज मर जाएगा, किस सेल को निकाले तो स्पंज मर जाएगा, अरे यार फ्लेम सेल किसमें होता है, ये होगा क्वानोसाइट बेटा,
बॉडी में उस लेयर का नाम बताइए जिसकी सेल कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। बॉडी में उस लेयर का नाम बताइए जिसकी सेल कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस एंड सेल लाइनिंग ऑफ गट। तो बच्चा लोग 9 बजे बेटा हम लोग मिलते हैं रात में 9 बजे आज, और आज पूरा जोरदार रैपिड फायर भी कराएंगे, रीजन एसर्शन के सवाल भी कराएंगे। रैपिड फायर भी होगा, रीजन एसर्शन भी होगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है ना। और हरिओम सर अपनी अपना सेशन कंप्लीट करेंगे, कर लेने दीजिए। हरिओम सर आ जाइए। तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं शाम को ठीक 9 बजे। चिंता मत करना, आप सब लोग सेलेक्ट होने जा रहे हो, एकदम चिंता मत करना किसी भी कीमत पे, ठीक है। थैंक यू रवि रंजन। हाँ कल क्लास गड़बड़ हो गई, आज शाम को 9 बजे जोरदार होगी। चलिए भैया, तो क्वेश्चन नंबर 15 है भाई। बाय विच द मेथड वाज न्यू ब्रीड हिर्साडेल सी फॉर्म बाय यूजिंग द बीकानेरी एप्स एंड मरीनी एप्स। तरह की ये जो ये आपकी हिर्साडेल बनी वो किस प्रोसेस बनी, क्रॉस ब्रीडिंग से, इन ब्रीडिंग से, आउटक्रॉसिंग से, या म्यूटेशनल ब्रीडिंग से, किस तरीके से हमारा बना है हिर्साडेल जो एक सीप है, ये वैरायटी किस तरीके से बनी, जल्दी से बताइए भैया किस तरीके से बनी बच्चा पार्टी। दैट इज अ क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग इज द राइट आंसर, क्रॉस ब्रीडिंग इज द राइट आंसर। इन ब्रीडिंग से तो सर हम क्या करते हैं, इन ब्रीडिंग से हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं अपनी प्रोडक्शन को, आउटक्रॉसिंग नहीं म्यूटेशन ब्रीडिंग भी नहीं। आंसर जाएगा फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन इन क्रॉप, नॉट एन ऑब्जेक्टिव, यानी इनमें से कौन है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है बायो फोर्टिफिकेशन के लिए। 16 का आंसर बताइए, कौन है जो बायो फोर्टिफिकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं है। इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू डिजीज, ये नहीं है सर। विटामिन कंटेंट होता करता है, इम्प्रूव माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल कंटेंट करता है, प्रोटीन कंटेंट करता है, तो आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर। विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, कौन सा है जो मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक का स्टेप नहीं है। काउ यील्ड अबाउट 6 to 8 एग पर टाइम, ये सही है सर। किस वजह से होता है, एफएसएस लाइक हार्मोन की वजह से होता है। काउ फर्टिलाइज बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सही है सर, वैलिड बुल से भी करा सकते हैं। अंदर का फर्टिलाइज एग आर ट्रांसफर इन टू द, यस सर जी। फर्टिलाइज हैगा ट्रांसफर द सरोगेट मदर 8 to 32 सेलेस्टेस, तो ये भी सही हो गया सर। काउ एडमिनिस्ट्रेट द हार्मोन एलएस लाइक, एलएस लाइक नहीं होता है, ये तुम्हारा एफएसएस लाइक होता है, तो गलत क्या हो गया हमारा, फोर्थ गलत हो गया, ठीक है। 17 का आंसर क्या हो गया, 4। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। देखिए सर 18 क्वेश्चन की मैचिंग है हमारी, 18 क्वेश्चन मैचिंग यहाँ पर कह रहा है सर। प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन क्या होता है, इससे हमने बनाया था पोमेटो, आंसर जाएगा सेकंड। प्लांट टिश्यू कल्चर टोटिपोटेंसी फर्स्ट हो गया सर। मेरिस्मेटिक कल्चर के थ्रू हम क्या कहते हैं, वायरस फ्री प्लांट बनाते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन से क्या बनते हैं, सोमा क्लोज बनते हैं, आंसर जाएगा फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 19, म्यूटेशन इन द प्लांट सेल कैन बी द इंड्यूस बाय, म्यूटेशन प्लांट सेल में कैसे इंड्यूस होती है सर। म्यूटेशन प्लांट सेल में इंड्यूस होती है बाय द इंफ्रारेड गामा रेस, नहीं भैया इंफ्रारेड के थ्रू, गामा रेस के थ्रू, जिएटिन कैरेटिन, दैट इज द बी गामा रेस के थ्रू। देन क्वेश्चन है हमारा, ब्रीडिंग क्रॉप विद द हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, हायर प्रोटीन एंड हेल्थ, हेल्थियर फैट इज फैट्स इज कार्ब, क्या कहलाएगा बताइए भैया, दैट इज द बायो फोर्टिफिकेशन, आंसर जाएगा हमारा सेकेंड। क्लियर है सर, आंसर क्या जाएगा, सेकेंड जाएगा। देन आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, चलिए सर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा सर,
सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली है बायोलॉजिकल प्रोसेस. कैसी प्रोसेस होती है सर? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है. आंसर जाएगा फर्स्ट. देन कह रहा है सर यहाँ पे सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर. इनमें से कौन है जो बायो फर्टिलाइजर नहीं है सर? तो यहाँ पर कह रहा है सर इनमें से कौन है जो बायो फर्टिलाइजर नहीं है? तो इसमें कह रहा है सर हमारा माइकोराइजा तो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस. नाम सुना है आपने? ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो होता है वो क्या करता है पता है आपको? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है हमारा ये टीआई प्लाज्मिड याद है कि नहीं बायो बायोटेक्नोलॉजी में. तो ये हो गया हमारा राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर में यूज होता है. नॉस्टॉक एनामिना ऑस्टिलिटेरिया भी होता है. तो सेकेंड का जाएगा सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम द सॉयल प्लांट. तो भैया ये कौन करते हैं आपका एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है? एब्जॉर्प्शन कर रहा है सर माइकोराइजा. और माइकोराइजा कौन बनाते हैं? ग्लूमस बनाते हैं. तो आंसर बन जाएगा हमारा सेकेंड. देन कह रहा है सर विच आर फॉलोइंग मेनली प्रोड्यूस बाई द एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरियल सीवेज. विच आर फॉलोइंग मेनली प्रोड्यूस बाई एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया. ठीक है सर. ऑन द सीवेज मार्स गैस, लाफिंग गैस, प्रोपेन, मस्टर्ड गैस. दैट इज द, ये कौन सी गैस होगी? मार्स गैस, दैट इज जिसे हम कहते हैं मेथेन. आंसर का क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा सर. देन फिफ्थ कह रहा है एथेनॉल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू ए पर्टिकुलर स्पीसीज. दैट इज द सैक्रोमाइसियम सर्वीसियाई. क्लियर है सर? आंसर यहां पर जाएगा हमारा सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर सिक्स. एन ऑर्गेनिज्म यूज एज द बायो फर्टिलाइजर फॉर राइजिंग द सोयाबीन क्रॉप. सोयाबीन क्रॉप के लिए क्या यूज करेंगे? क्योंकि वो लेग्यूमिनस है तो लेग्यूमिनस में क्या बनता है हमारा? हमारा बनता है रूट नोड्यूल. और रूट नोड्यूल कौन बनाते हैं? रूट नोड्यूल्स कौन बनाते हैं बताइए भैया? रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है राइजोबियम. तो आंसर जाएगा यहाँ पर फोर जाएगा सर. राइजोबियम इन द आंसर. आंसर इज फोर. नेक्स्ट कह रहा है ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ. बियर बनाने में यूज होता है, चीज बनाने में यूज नहीं होता है. सिट्रिक एसिड नहीं, लाइपेज नहीं. आंसर होता है फर्स्ट, बियर एंड वाइन विदाउट डिस्टिलेशन बनती है. तो आंसर क्वेश्चन नंबर एट देखिए सर. क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है सर विच आर फॉलोइंग माइक्रो फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन. इसमें कौन सा है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का है? सॉरी भैया, थोड़ा सा इंटरप्शन ज़्यादा हो जा रहे हैं आज मेरी वजह से, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं सर. कह रहा विच आर फॉलोइंग माइक्रोब्स फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लांट हेल्प इन द देयर न्यूट्रिशन. कह रहा है इनमें से कौन है जो आपके न्यूट्रिशन में हेल्प करता है सर? तो इसमें क्या जाएगा सर? ग्लूम्स जाएगा. आंसर जाएगा फर्स्ट. देन कह रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन, पेशेंट ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन यूजली इमीडिएटली गिव. उसे इमीडिएटली हम क्या देंगे? उसे देंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे. दैट इज अ क्लॉट बस्टर्स. आंसर इज डी. देन अब अगर क्वेश्चन नंबर 10 है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रोब एसोसिएटेड एजोला इन द राइस फील्ड. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? दैट इज द एनामिना नॉस्टॉक ऑसिलेटेरिया. है ना सर? तो आंसर जाएगा एनामिना इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज सिंगल ऑर्गेनिज्म और द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म करेक्टिवली असाइन टू ऑन देयर नेम टॉक्सिक ग्रुप. तो कह रहा है सर यहाँ पर ईस्ट यूज्ड इन द मेकिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पेयर ऑर्गेनिज्म करेक्टली असाइन टू देयर द नेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप. ईस्ट गिव द मेकिंग द ब्रेड एंड बियर दैट इज द फंगस. ये सही है सर. नॉस्टॉक एनामिना एग्जाम प्रोटिस्ट नहीं है सर, ये तो मोनेटा के मेंबर होते हैं. पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम. पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम और ये पेनिसिलियम है, गलत हो गया सर. लाइकेन्स जो है कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म इन द तो 11 का ओवरऑल आंसर जा रहा है
11th का आंसर जा रहा है फर्स्ट. Which are following an example आप करेंगे about the biological control pest disease using the microbes. तो अगर ऐसा क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है, 12 का आंसर क्या जाएगा बताओ भैया. यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है सर कि which are following example are carrying the out of the biological control disease कौन सी होती है. बीटी इंक्रीज द कॉर्न टिल्ट सही है सर. लेडी बर्ड अगेंस्ट द एफिड्स एंड मस्ट इन द मस्टर्ड. डन. तो नेक्स्ट यहां पर क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है मेजर द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बीओडी क्या होता है, बीओडी क्या होता है, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज वाटर. क्लियर है सर. देखिए मोनस्का परफ्यूरियस या ईस्ट यूज द कॉमर्शियल इन द प्रोडक्शन ऑफ. मोनस्कस परफ्यूरियस जो है, मोनस्का परफ्यूरियस क्या है सर, ईस्ट है, इज ए ईस्ट यूज द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ. किसके, मोनस्का परफ्यूरियस किसके प्रोडक्शन में यूज होता है बताइए भैया. मोनस्कस परफ्यूरियस किसके कह रहा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट बनाने में मदद करता है सर. नेक्स्ट कह रहा है सर ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड. कह रहा है गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड कहां से मिलता है हमको, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि हमारा सिट्रिक एसिड हमको कहां से मिलेगा बताइए भैया. सिट्रिक एसिड कहां से मिलेगा, एस्परजिलस नाइगर से. आंसर इज द 4 एस्परजिलस. कह रहा है ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैस आर प्रोड्यूस विद इन इंक्लूड. कह रहा है इन सीवेज ट्रीटमेंट में हमें बायोगैस जो मिल रही है उसमें क्या होता है, मेथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर सर. देन आपका नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17 व्हीट व्हाट गैस प्रोड्यूस इन द एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर. मेथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड. आंसर जाएगा हमारा सेकेंड आंसर जाएगा. क्लियर है सर, मेथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग लिस्ट माइक्रोब देयर द इम्पोर्टेंस. ठीक है सर, चलिए मैच करिए सर. तो पहला कह रहा है सर साइक्रोमाइसियम सर्वेसियाई कॉमर्शियली प्रोड्यूस एथेनॉल. आंसर जाएगा थर्ड. और थर्ड तो यहाँ पर दो का है तो पहला और दूसरा तो नहीं हो सकता. मोनस्कस परप्यूरियस, मोनस्कस परप्यूरियस से क्या होता है, प्रोड्यूस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट. आंसर जाएगा यहाँ पर फोर्थ. और देन यहाँ पर कहता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दैट इज द फर्स्ट. एंड देन कह रहा है प्रोपेनोबैक्टीरियम सेरेमिनाई तो रैपनिंग ऑफ स्विस चीज दैट इज द सेकेंड. आंसर जाएगा हमारा थर्ड. आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल विच द जीन इज इंटरेस्ट इन द इंटीग्रेशन ऑफ क्लोनिंग इज कॉल्ड. क्या कहलाता है सर, वेक्टर कहलाता है सर. वो क्या कहलाएगा, वेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच आर फॉलोइंग मैच द रॉन्गली मैच इन द गिवन टेबल. इनमें से कौन सा है जो रॉन्गली मैच है, ठीक है ना सर. कह रहा है सर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव है, सही है सर. मोनस्का सही, स्टैटिन मिलता है वो लोवरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, सही है. स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल सही है. क्लॉस्ट्रिडियम बोटिकम से ब्यूटिक एसिड बनता है. यहाँ लाइपेज लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया सर. आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, आंसर जाएगा हमारा 4. बोलो बात समझ में आई कि नहीं. देन इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड को मैच करना है सर. यहाँ पे कह रहा है सिट्रिक एसिड किससे मिलता है, एस्परजिलस नाइगर से मिलता है. आंसर जाएगा थर्ड. क्लॉस्ट्रिडिया साइक्लोस्पोरिन से किससे मिलता है, ट्राइकोडर्मा से मिलता है. स्टैटिन किससे मिलता है, मोनस्कस परप्यूरियस से मिलता है. ब्यूट्रिक एसिड किससे मिलता है सर, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिकम से मिलता है. आंसर जाएगा हमारा थर्ड. आंसर क्या जाएगा भैया, आंसर जाएगा थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन है हमारा विच आर फॉलोइंग करेक्टली मैच विद द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई देम. ठीक है सर, तो अगर सैक्रोमाइसियम सर्वेसियाई, सैक्रोमाइसियम सर्वेसियाई एथेनॉल तो पहला ही सही हो गया सर. नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है सर देखिए विच आर द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव द सस्पेंडेड सॉलिड्स. सस्पेंडेड सॉलिड्स को किस से हटाते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स को कह रहा है कि सस्पेंडेड सॉलिड जो हटाए जाते हैं वो किस प्रोसेस से हटाए जाते हैं, है ना. तो सॉलिड रिमूव करने का तरीका क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना सर. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल आप. कह रहा है कि जो माइकोराइजा है वो किसके एग्जाम्पल है, माइकोराइजा एग्जाम्पल आप ब्यूचुलिज्म
फंगीसाइड एमेंसिलिज्म एंटीबायोटिक, तो ये बेसिकली म्यूचुअलिज्म है, सिम्बायोसिस इज द वन काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म, आंसर जाएगा फर्स्ट। देन कह रहा सर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू द कप प्रोवाइड अ न्यूट्रिटिव वैल्यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विटामिन बी12, सीधा सीधा क्वेश्चन है सर किस विटामिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, विटामिन बी12 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस, ठीक है सर। तो यहाँ पर कह रहा है सर लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलेट जो हमारा है, लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या बनाता है, कर्ड बनाता है। तो फर्स्ट का गया, सेकंड गया सर। देन कह रहा है सर सैक्रोमाइसियम सर्वेसियाई, सैक्रोमाइसियम सर्वेसियाई जो है हमारा ये ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में यूज होता है, तो इसका आंसर जाएगा 4। एस्परजिलस नाइगर जो है हमारा ये सिट्रिक एसिड बना रहा, तो इसका जाएगा सर 3। एंड एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है हमारा वो एसिटिक एसिड बनाता है, आंसर जाएगा 4। तो ओवरऑल हमारा मैचिंग सही हो गया, कौन सेकेंड मैचिंग सही होगा सर। देन इसके बाद क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज द कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, इनमें से कौन है, 27 में कह रहा है सर इनमें से कौन है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, किसी तरह काम कर रहा है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन ए बताओ भैया क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए इज द इम्यूनोसप्रेसिव, क्या है इम्यूनोसप्रेसिव। स्टैटिन क्या होता है, स्टैटिन हमें मिलता है ईस्ट से, मोनस्कस परप्यूरियस से, ये होता है हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या होता है, क्लट बास्टर होता है, लाइपेसेस लॉन्ड्री में यूज होते हैं, आंसर क्या जाएगा सेकंड जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, इनमें से कौन है जो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट में, क्या होगा ट्राइकोडर्मा, बिल्कुल सही है सर। एनाबिना आपका ये आपका माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है, ये तुम्हारा माइक्रोबियल बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है ना सर। देन इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट, इनमें से कह रहा है आप सही बायो कंट्रोल एजेंट का सही चुनिए सर। बैसिलस सीरोजेनेसिस है, टोबैको मोज़ेक वायरस नहीं होता है ना, तो ये नहीं हो सकता। ट्राइकोडर्मा होता है, बैक्लो वायरस होता है, बैसिलस सीरोजेनेसिस होता है, तो आंसर जाएगा 3। ऑसिलेटेरिया नहीं होता, नॉस्टॉक नहीं सर, ये तो बायो ये आपके होते हैं, नॉस्टॉक होता है बायो फर्टिलाइजर होता है, नॉस्टॉक क्या होता है बायो फर्टिलाइजर। देन 29 के बाद आंसर आता है 30। 30 क्वेश्चन कह रहा है सर मैचिंग करनी है हमको, कह रहा है कि क्लॉस्ट्रिडियम बोटलिकम, क्लॉस्ट्रिडियम बोटलिकम से हमें क्या मिलता है ब्यूट्रिक एसिड मिलता है, तो क्लॉस्ट्रिडियम बोटलिकम ब्यूट्रिक एसिड मिलता है और ब्यूट्रिक एसिड जाएगा हमारा सेकेंड, क्या जाएगा सेकेंड जाएगा। देन कह रहा है सर ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से क्या मिलता है साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है। बोरस्कस परप्यूरियस से, बोरस्कस परप्यूरियस जो है हमारा ये क्या है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट बनाता है। एस्परजिलस नाइगर से क्या मिलता है सिट्रिक एसिड मिलता है, दैट इज अ 3। आंसर जाएगा हमारा 4, आंसर क्या जाएगा भैया 4 जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू द एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर, एनारोबिक डाइजेस्टर फर्दर सीवियस ट्रीटमेंट, कह रहा है कि क्या डालते हैं एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर में, इफ लेफ्ट फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं होगा एक्टिवेटेड स्लग डालते हैं जो हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट से मिलता है, और भैया इससे हमें क्या मिलती है बायोगैस। देन यहाँ पर कह रहा है सर अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कह रहा है एस्परजिलस नाइगर जो है इससे क्या बनता है सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई से क्या मिलता है एसिटिक एसिड मिलता है, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिकम से क्या मिलता है ब्यूट्रिक एसिड मिलता है, और लैक्टोबैसिलस से क्या मिलता है लैक्टिक एसिड मिलता है, दैट इज द सेकेंड आंसर इज द 4। आंसर क्या जाएगा 4 जाएगा। देन कह रहा है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंड द इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से बनता है, ये एक फंगस होता है ना सर, तो आंसर यहाँ पर जा रहा है हमारा डी। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है आपका PYQ सेशन, क्लियर है सर यहाँ तक। तो हम लोगों ने आज कर लिया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और हम लोगों ने कर लिया स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो ओवरऑल हम लोगों ने 38 चैप्टर्स में से हम लोग कर चुके हैं 32 चैप्टर्स, और देखिए सर जो कमिटमेंट था आपने कहा था सर कि कंटिन्यू रहेगा सेशन कि नहीं रहेगा, है ना, तो लगभग हमने हमारी न्यूलाइट टीम ने आपका पूरा देखिए साथ दे रहे हैं, हम लोग आखिरी समय में एकदम जुटे हुए हैं सर, देखिए उठते ही
सोते नहीं है सर, रात में सेशन करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, है ना सर? और आपके साथ सारे टीचर्स लगे हुए हैं, तो कोशिश करते रहिए और हारने की टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करना है ना सर? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करना है, पैरा सिंपैथेटिक एक्टिव रखिए सर, है ना? कूल रहिए, कॉम रहिए। और अब हम लोग कल के सेशन में करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और दूसरा एप्लीकेशन। तो हमारी दो यूनिट बचती है बस, एक तो 9 यूनिट और दूसरी 10 यूनिट। 9 और 10 यूनिट करेंगे तो हमारा 12th एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब टोटल बचे 6 चैप्टर्स और वो हम लोग कर लेंगे आने वाले 3 डेज में। तो यानी कि जो गोल रखा था आज, आज सारा दिन खराब जाएगा। क्यों, क्या हो गया भैया, क्या प्रॉब्लम है बच्चा, ऐसा क्या हो गया जो दिन खराब होगा? बोल भैया अपना क्या? भैया बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सारा दिन खराब जाएगा, ऐसा क्यों है बच्चा, क्यों दिन खराब जाएगा? सर नोट्स नोट्स मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल की क्लास में करें, आज है हमारा डेट है, आज हमारा हो गया है, कौन सा डेट है आज, आज बताओ, आज तारीख कितना है बताओ, कमेंट बॉक्स से बताओ। आपकी हो गई 9 19, है ना? तो 20 21 और 22 को अपन लोग ये 2 चैप्टर पर डे रिवीजन सीरीज जो है कंप्लीट कर लेंगे सर। तो मिलते हैं कल की क्लास में 7:30 पे, बायोटेक्नोलॉजी इट्स प्रिंसिपल्स और बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन, ठीक है सर? थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच बच्चा पाटिल, जय हिंद जय भारत। Thank you.